वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो देखिए, रिसेंटली फिर से ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर। लास्ट मंथ से ट्रेडिंग चालू हो चुकी थी, तो यहाँ पे देख सकते लास्ट मंडे की जिन 2.37 पे क्लोजिंग दी थी, 5% तक गिरावट हो चुकी थी। 5% का लोअर सर्किट भी लग चुका था स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि अभी जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक यहाँ पे आप देख सकते हर मंडे के दिन लोअर सर्किट लगता हुआ देखेंगे, और जैसे ट्रेडिंग भी चालू होती है तो यहाँ पे लोअर सर्किट थोड़े दिन लगेंगे। तो देख सकते क्योंकि सभी जन अपने पोजीशन क्लियर करने चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो तो अपनी पोजीशन क्लियर करने को काफी दिनों से देख रहे, पर यहाँ पे चांसेस नहीं मिल रहा। तो रिसेंटली देख सकते ट्रेडिंग तो रिस्ट्रिक्टेड है ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी। तो आईबीसी के खिलाफ देख सकते कि हमने लास्ट दो वीडियोस बनाई है, तकरीबन सीआरपी जो होता है यहाँ पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे एक्शन ले लेता है आईबीसी के थ्रू ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। पर क्यों देख सकते कि जब कोई कंपनी अपनी लोन लेती है तो वो लोन लेने के बाद जो एक कर्जा लेने के बाद वो कर्जा चुका नहीं पाती है तो लोन फिर से देने के चांसेस जो डेब्ट है वो कम हो जाते हैं उनके, तो वो लोग यहाँ पे सीआरपी के पास जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तो उनके पास यहाँ पे दे जाने के बाद आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोड वो यहाँ पे आप देख सकते एक्शन ले लेता है, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और जैसे कि कंपनी के जो असेट्स हो, प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ पे आप देख सकते वो यूज करके वो यहाँ पे वो सेल करके अपने जो डेप्ट है वो कम करने का देखता है। तो यही के वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनका दिन होते हैं 90 to 180 डेज तक यह प्रॉब्लम चल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए।